हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नर्सरी हिंदी वर्कशीट लेकर आई हूँ जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो बच्चे कदम रख रहे हैं नर्सरी में, उनके लिए वर्कशीट ये बहुत ज़रूरी है, उनको करवाएं प्रैक्टिस। इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो शुरू करें। मिलान करो वो चित्रों में रंग भरो। इधर मैंने स्वर लिखे हैं और इधर चित्र बनाए हैं, तो बच्चों को इस तरीके से वर्कशीट बना कर दें। ये आसनार है तो आसनार से मैचिंग कराए बच्चे से। बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटे उसे उल्लू, बड़े से ऊन। बच्चों से इनमें कलर भी करवाएं। अ से अनाखाली तक, अभी बच्चे अ से अनाखाली तक ही लिख पाते हैं सर, तो बच्चों के से प्रैक्टिस करवाएं। छोटे से नार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंट, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, बड़े से ऐनक, ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, अंग से अंगूर, अन्य खाली। इस तरीके से बच्चों से अ से लेके अन्य खाली तक स्वर करवाएं। चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो व रंग भरो। इसमें चित्र बनाए हैं मैंने, बच्चे चित्र देखकर यहाँ पे अक्षर लिखेगा। तो ये है हमारी छोटी से इमली, तो बच्चों से यहाँ पे छोटी से इमली लिखवाएं। ए से एड़ी, बड़े अंग से अंगूर, बड़े से ऐनक। इस तरीके से चित्र देख के बच्चे यहाँ पे अक्षर लिखेंगे। अ स्वर में गोला लगाओ। ये मैंने अनार बनाया है, इसमें मैंने स्वर लिखे हैं अलग अलग तरीके के। अ से अनार बच्चे इसमें ढूंढ के उस पर गोला लगाएगा। बड़े अ से आम है या अ से अनार है, इस पर गोला लगवाएं बच्चे से। फिर अ से अनार, इसे इमली है, आसे अनार है, इस पे सर्किल लगवाएं। उसे उल्लू, आसे आम, अनार, बड़े उसे ऊन। जिस जिस पे आसे अनार है जहाँ जहाँ वहाँ पे सर्किल लगवाएं। तो बच्चों की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे खुश होकर इन्हें करेगा। अलग स्वर में गोला लगाओ। ये मैंने अलग स्वर इसमें है लिखा है मैंने, जो अलग स्वर है हमें उसमें गोला लगाना है। तो बच्चों से इसमें पहचान करवाएं कि कहाँ पर अलग गोला है, अलग अक्षर है। जैसे अ से अनार है, ये भी ऐसा अनार है, ये बड़े अ से आम है, ये अ से अनार है, ये ऐसा अनार है। इसमें अलग स्वर कौन सा है? बड़े अ से आम, इस पे ऐसे गोला लगवाएं। बड़े अ से आम, इसे इमली, इसे इमली, इसे इमली, इसे इमली। तो अक्षर कौन सा अलग है हमारा? बड़े अ से आम, छोटी बड़ी से एक, बड़ी से एक, छोटी से उल्लू, बड़ी से एक, बड़ी से एक। तो इसमें कौन सा स्वर अलग है? छोटे से उल्लू। इस तरीके से बच्चों से ये एक्टिविटी करवाएं। मेरी सिक्स एक्टिविटी है, चित्र देखकर सही स्वर में गोला लगाओ। तो मैंने चित्र बनाए हैं, इधर स्वर लिखे हैं। जो चित्र है हमारा वो बच्चे स्वर में देखेंगे कि कहाँ पर हमारा स्वर है, उस पर हम गोला लगाए। तो ये हमारा आम है, तो हम इधर देखेंगे छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली। तो बड़े आसाम कहाँ पर है? ये है, तो हम इस पे ऐसे गोला लगाएंगे। ओ से ओखली, ये ओ से ओखली है, बड़े से ऐनक, ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, तो बड़े ओ से ओखली पे गोला लगाएंगे। अंग से अंगूर है ये, अ से अनार, अंग से अंगूर, अन्य खाली, तो हम अंग से अंगूर पे गोला लगाएंगे। ऊन, बड़े से ऊन, उसे उल्लू, ए से एड़ी, तो बड़े उसे ऊन पे हम गोला लगाएंगे। इस तरीके से बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं। रिक्त स्थान भरो। बच्चों को रिक्त स्थान भी करवाएं, जो बहुत जरूरी है बच्चों की मेमोरी जानने के लिए। जैसे अ से अनार के बाद क्या आता है? बड़े अ से आम, छोटी से इमली, इसके बाद क्या आता है? बड़े से एक, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, ऋषि ऋषि, ए से एड़ी, बड़े से ऐनक, ओ से ओखली,
बड़े उसे औरत, अंग से अंगूर। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स दें अन्य खाली तक। इसके बाद में क्या आता है, जैसे हम इंग्लिश में व्हाट कम आफ्टर करते हैं, इसी तरीके से हिंदी में है ये, इसके बाद में क्या आता है। जैसे आ से नर है, आ से नर के बाद क्या आता है, बड़े आ से आम। इस तरीके से बच्चों से पूछे और करवाएं। ई से इमली के बाद बड़ी से एक, छोटे ऊ से उल्लू के बाद बड़े ऊ से ऊन, ऋषि ऋषि, ए से एड़ी। इसके बीच में क्या आएगा, आ से अनार के बाद क्या आता है, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, बड़े ओ से औरत, अंग से अंगूर, अन्य खाली। तो बीच में क्या आएगा, अंग से अंगूर। इस तरीके से एक्टिविटी सारी बच्चों को करवाएं। बच्चों को इस तरीके से एक्टिविटी कराएं, जिस तरह से मैंने ये एक्टिविटी कराई है, इस तरीके से सारी एक्टिविटी बच्चों को बनाएं। ये बहुत खुश होकर इन एक्टिविटी को करते हैं, खेल खेल में बच्चे सीख भी जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।